सिंगरौली संसदीय क्षेत्र के सांसद रीति पाठक के ऐतिहासिक जीत पर सिंगरौली मंडप के भाजपा कार्यकर्ता द्वारा निकाली गई विशाल विजय यात्रा के दौरान सांसद रीति पाठक ने सिंगरौली बूढ़ी माई मंदिर जाकर माता का आशीर्वाद लेते हुए एक सभा को संबोधित कर सिंगरौली की जनता का आभार प्रकट करते हुए सांसद द्वारा कहा गया कि और यहाँ पर उपस्थित प्रवीण तिवारी जी जिन्होंने इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बनाकर सभी को उत्साहित किया और सभी को संगठित किया। यहाँ उपस्थित हमारे किसान मोर्चा के जिले के अध्यक्ष भैया गिरजा पांडे जी, यहाँ उपस्थित हमारे जनता जनार्दन के बीच से हमारी सभी प्रिय बहने, माताएं, बेटियां, युवा और वरिष्ठ जन, ये जो आज विजय यात्रा निकल रही है, इस विजय यात्रा के सच पूछे तो असली हकदार आप, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सोच जो है वो तो जनहित की सोच है, वो गरीबों की सरकार बनाकर गरीबों के हित में काम करने की सोच है, इस देश को सुरक्षित बनाने की सोच है, इस देश को विकसित बनाने की सोच है और नए भारत का निर्माण करने की सोच है। और उनकी इस सोच को आपने समझा और आपने सोच कर एक एक वोट देकर इन वोटों की संख्या आपने 286,524 वोट किया। इसलिए मैं हृदय से पवित्र कानून में आपको धन्यवाद ज्ञापित करती और धन्यवाद हमारा भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, ईमानदार कार्यकर्ता, ईमानदार नेतृत्व सभी ज्ञापित करते हैं। और मैं स्वयं उनके लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ क्योंकि ये जो विजय है ये ईमानदार कार्यकर्ताओं की निष्ठा का विजय है, उनके कर्तव्यों के निर्वहन का विजय है। ऐसा कार्यकर्ता जो हर एक लड़ाई में जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मान के लिए होता है, इस देश की, इस धरा की, भारत माँ के सम्मान के लिए होता है, वो कभी किसी का मुंह नहीं ताकता कि उसे युद्ध क्षेत्र में जाना है या उसे इस विजय को प्राप्त करना है, वो तो बस चल पड़ता है और अनवरत चलता रहता है तब तक जब तक उसे विजय प्राप्त नहीं हो जाती। और यही किया हमारे उन चंद निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व है।